नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी के शपथ लेते ही भाजपाइयों ने मनाया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। खासकर भाजपा खेमों में इस पल को यादगार बनाने के लिए तरह तरह से खुशी मनाई जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ता मोदी की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। नरेंद्र मोदी बने पांचवें नेता जो लगातार दो बार बने भारत के प्रधानमंत्री। जानिए देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास। नरेंद्र मोदी आज भारतीय इतिहास में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वह कारनामा कर दिखाया है जो आजाद भारत के इतिहास में उनसे पहले केवल चार नेता कर सके थे। पीएम मोदी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह लगातार दो बार देश के पीएम बने थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों ही लगातार तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी कुल तीन बार देश के पीएम बने और इंदिरा गांधी कुल चार बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी पहली बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 1967 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को बहुमत दिलाया और लगातार दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी। 1971 में जब देश में पांचवें आम चुनाव हुए तो इंदिरा ने अपने पार्टी को बहुमत दिलाया और उन्होंने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद जब 1977 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी अपनी बहू सोनिया गांधी के साथ मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर पड़ी और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो इस कुर्सी पर ज्यादा समय तक नहीं रह सके और उनकी तत्काल सरकार गिर गई। 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव हुए और इंदिरा ने जबरदस्त वापसी करते हुए बहुमत हासिल किया और चौथी बार देश की पीएम बनी। इंदिरा गांधी अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर पाती उससे पहले उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1989 में बोफोर्स घोटाले के साय में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया, लेकिन वो अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। 1990 में जनता दल नेता वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार एक साल के भीतर गिर गई और उनकी जगह 1990 में चंद्रशेखर ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके और उनकी सरकार एक साल के अंदर गिर गई। 1991 में आम चुनाव के प्रचार के दौरान राजीव गांधी की तमिल निट्टे के आतंकवादियों ने तमिलनाडु में हत्या कर दी। चुनाव में कांग्रेस 244 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीबी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।